नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे कि उल झाझा और जमुई होकर कब से चलेगी ट्रेन और इस रूट पर अभी फिलहाल कितनी ट्रेन चल रही है। उन सभी ट्रेनों का लिस्ट भी आपको हम बताएंगे। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो अपडेट में। अगर आप तमाम रेलवे न्यूज का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अन्य ट्रेनों का जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे उस ट्रेन पर लेटेस्ट न्यूज आपको हम ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारतीय रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी सामान्य ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, लेकिन क्यूल, जमुई और झाझा के लिए एक बुरी खबर यह भी आई है कि क्या इस रूट पर ट्रेन चलेगी और इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन कब से होगा, यह भी बड़ी खबर फिलहाल बनी हुई है। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित पैसेंजर यात्री ट्रेन का संचालन अगले सूची तक रद्द कर दिया गया है। यात्री पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो फिलहाल अभी 230 स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिनमें अधिकतर और कुछ ट्रेनें रद्द भी चल रही है, उसका अपडेट हमने अलग से बना दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यूल से झाझा और जमुई होकर चलने वाली ट्रेनों के बारे में। इस रूट पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन चलती है, जिनमें विभूति एक्सप्रेस, जयनगर रांची एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, बिलासपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, रक्सौल से हावड़ा के बीच चलने वाली रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 13044, कोलकाता एक्सप्रेस 13166, अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें इस रूट पर महत्वपूर्ण और खास भी है। लेकिन इस रूट पर आखिर मेमू ट्रेन और डीएमयू ट्रेन कब चलेगी, यह भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस रूट पर काफी यात्री सफर करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ही ट्रेनों का परिचालन देखने से और होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण इस रूट पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी शुरू करना चाहिए। और रेलवे बोर्ड से हमारा आग्रह है कि आप लोगों के लिए कुछ विशेष ट्रेन इस रूट पर शुरू कर दे, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रूट पर अभी सिर्फ पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि कोविड 19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के नाम से चलती है, जो कि ट्रेन संख्या 02304 के साथ परिचालन किया जाता है। इसके साथ ही दो अन्य ट्रेनें भी चलती है, जिनमें पटना हावड़ा और हावड़ा पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रेलवे ने इस रूट पर बेहद कम ट्रेन का परिचालन शुरू किया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इस रूट पर और भी ट्रेन बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर के रेलवे नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करेगा और जो भी लिस्ट होगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।